बिरयानी नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइस डिश बिरयानी। वेज भी बनती है, नॉन वेज भी बनती है। नॉन वेज बिरयानी में आपने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बनाई है, खाई है, लेकिन आज आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी, कोफ्ता बिरयानी, मीट बॉल्स बिरयानी। बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार दो बार आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल बढ़िया बनेगी, शानदार बनेगी। और ये डिश ऐसी है जो अभी बहुत कम घरों में बनती है, एक बार आप बनाइए, आपके घर वाले, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बार बार आपसे इसी बिरयानी की डिमांड करेंगे, कोफ्ता बिरयानी। चलिए देखते हैं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको चाहिए कीमा, बारीक कुटा हुआ कीमा, कोफ्ते वाला कीमा। दुकानदार से आप कहिए झुन्नी का कीमा दे, झुन्नी झुन्नी का कीमा दे, और जितनी झुन्नी है उसके साथ एटलीस्ट 1/4 आप रिवाज की चिकनाई भी इसमें डलवा लें। चिकना कीमा चाहिए, रूखा कीमा बात नहीं बनेगी। 1 किलो कीमे के अंदर मिलाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज के प्याज, 10-12 हरी मिर्च, छोटी वाली, देसी वाली, चरचरी वाली, और करीब 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ में आपको चाहिए जायफल, जवत्री वाला गरम मसाला, और गरम मसाला आपको चाहिए सादा गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच यूज होगा। बीच में रेसिपी में बताते रहेंगे कितना यूज होना है। साथ में आपको चाहिए कुछ हरी इलायची, छोटी इलायची, ये भी बीच में रेसिपी में बताएंगे कि कितना यूज करना है, यहाँ रिक्वायर्ड से ज्यादा दिखाया जा रहा है। लौंग आपको चाहिए, आपको चाहिए काली मिर्च, काली मिर्च भी यहाँ ज्यादा दिखाई दी जा रही है, कम यूज होंगी आगे। आपको चाहिए जीरा, साबुत जीरा, साबुत धनिया चाहिए, पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर काम नहीं करेगा। आपको चाहिए सौंफ, ये भी साबुत ही चलेगी, साबुत सौंफ चाहिए। नमक एज यूजुअल हर डिश के लिए, और साथ में आपको चाहिए दही, ताजी दही लीजिएगा, खट्टी दही, बासी दही टेस्ट नहीं देती है। साथ में आपको चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज के बारीक बारीक टुकड़े काट कर आप एक क्रशर में ले लीजिए, ये कुट्टक मशीन है, कुट्टक मशीन कहलाती है, क्रशर है छोटा सा, और इसमें ये प्याजे आप क्रश कर लीजिए। प्याजे बारीक बारीक काट कर काम नहीं चलेगा, ये क्रश ही करनी पड़ेगी, या आप चाहे तो अपने कीमे वाले दुकानदार से भी इसे क्रश करवा के ला सकते हैं कीमे के साथ ही। प्याज के बाद आप अदरक के पतले पतले स्लाइसेस उतार लीजिए, पतले पतले स्लाइसेस आपको लेने हैं ताकि कुट्टक मशीन में ये आराम के साथ चल जाए, और इन्हें भी आपको क्रश कर लेना है वैसे ही जैसे आपने प्याजों को क्रश किया था। थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है अदरक को क्रश करना, थोड़ा बीच में उल्टा भी चलाइए, सीधा भी चलाइए, क्रश हो जाएगा आराम से। इसके बाद आपको लेनी है हरी मिर्च, 10-12 हरी मिर्च आपको लेनी है, पतली वाली देसी हरी मिर्च लीजिए, देखने में छोटी होती है, पतली होती है, सुंदर नहीं होती, लेकिन टेस्ट इसका बढ़िया होता है, चरचरी होती है। बड़ी वाली जो हाइब्रिड मिर्च है उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, इन्हें भी आपने क्रशर कर लेना है। लीजिए सारे तीनों चीजें क्रश हो गई हैं, ये अच्छे से क्रश हो गई है, आप देख ही रहे हैं कि काट कर ये मजा नहीं आ सकता। अब इसमें आपको कीमा मिलाना है, ये सामान सारा 1 किलो कीमे के लिए, हम 1 किलो कीमे के 2 पार्ट करेंगे, आधे पार्ट की बिरयानी बनाएंगे और आधे पार्ट में कोरमा बनाएंगे। नमक डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच, जायफल जवत्री वाला गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच, और सादा गरम मसाला ये भी 1 से 1.5 चम्मच। सभी को आपस में मिक्स कर लेना है, प्रॉपरली मिक्स करना है, मिक्स नहीं करना, एक्चुअली इसे गूंथना है बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा गूंथा जाता है, सिर्फ मिक्स नहीं करना, इसे गूंथ करके बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। आप ध्यान से देखिए, हम थोड़ा तेज फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं, आपको समय काफी लगेगा इसमें, 10-12 मिनट, 15 मिनट का टाइम लग जाएगा गूंथने में इसको, और धीरे धीरे ये लोच इसमें बढ़ता चला जाएगा, ये चिकना होने लगेगा, स्मूथ होने लगेगा, और जब आपको लगे करीब करीब आटे की जैसा स्मूथ हो गया, चिकना हो गया, तब तक आप इसको बार बार मसलते रहें, इसे गूंथते रहें। ये देखिए अब करीब करीब चिकना हो गया, लोच आ गया इसमें, अभी आपने देखा। हाथ में 50 से 60 ग्राम तक कीमा लीजिए, अपने अंदाजे से ले लीजिए, थोड़ा सा पानी लगाइए और टाइट हाथों से कोफ्ता बांध लीजिए। गोल शेप देने के लिए आप इसे हथेली में घुमाएं, थोड़ी देर के लिए हथेली में घुमाएं तो इसकी शेप गोल हो जाएगी।
और इस तरह से आपको सारे कोफ्ते बना लेने हैं सारे कीमे के। उधर आपका ये साबुत धनिया और साबुत सौंफ थी, इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। पूरा पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा रहना चाहिए। देखिए काफी मोटा मोटा है, बस इसका बीज टूट जाए, पूरा पाउडर नहीं बनाना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, लगभग आधा गिलास, आधा एक गिलास से थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, आधा गिलास ठीक है। अच्छे से इसको मिला दीजिए, प्रॉपरली मिक्स कीजिए। एक फ्राई पैन में से लीजिए और अब इसमें एक उबाल लगा दीजिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं, आपको समय लगेगा। ये देखिए उबाल आ गया है। एक बार बहुत अच्छे से प्रॉपरली इसमें उबाल लगाना है ताकि सौंफ धनिए का एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए। प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल लीजिए, इसमें डालिए इलायची, इलायची तोड़कर डालनी है छोटी इलायची, आपने डाला 1 चम्मच जीरा। तेल बहुत तेज गर्म ना हो, अदरवाइज ये मसाले तुरंत जल जाएंगे। हल्का ही गर्म है, आप देख ही रहे हैं। लौंग डाली आपने, काली मिर्च आपने डाली, धीरे धीरे भुनेंगी ये, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए। और अब इसमें डाल दीजिए अदरक और मिर्च जो आपने बारीक काट कर रख ली है, ये अलग से काटी हुई है, ये वो नहीं है जो हमने मिलाई थी कीमे के साथ में। 1 इंच के करीब का टुकड़ा अदरक का, पतले पतले लच्छे बना लेने। इसी तरह 4-5 हरी मिर्च का आपने बारीक काट ली थी। अब इसमें आपने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट करीब 1 से 1.5 चम्मच। प्रॉपरली इसे मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। दही लीजिए, दही को बहुत अच्छा फेंट लीजिए, इसमें गुड़िया ना रहे, इसमें गांठे ना रहे, और अच्छे से फेंट करके इसे भी आपने अब मसाले में डाल देना है। सारी दही मसाले में डाल देनी है। फ्लेम अब आपको तेज करनी होगी, दही डालने के बाद आपको फ्लेम तेज करना होगा। ये देखिए अभी फ्लेम फुल कर दी गई है, हाई फ्लेम पर है दही डालने के बाद। अब मसाले के जलने का खतरा खत्म हो गया, जब तक दही है मसाले नहीं जलेंगे। इधर आपने जो एक्सट्रैक्ट बनाया था वो अब ठंडा हो चुका है, इसे छलनी से आप छान लीजिए। थोड़ा सा एक बार और पानी डाल दीजिए, एक बार और थोड़ा सा पानी डाल डालिए ताकि इसका पूरा जोश पानी में आ जाए। और अब इसे भी आप छान लीजिए। हमें सौंफ और धनिया यूज नहीं करना, केवल उसका एक्सट्रैक्ट यूज करना है, उसका जोश यूज करना है। अच्छे से आप इसे छान लीजिए, ये देखिए सारा जोश आ गया पानी के साथ। निचोड़ लीजिए ताकि छिलकों के साथ कुछ भी ना बच कर जाए, केवल छिलके छिलके रह गए अभी। और इस जोश को भी आपने अब डाल देना है अपने प्रेशर कुकर में, जिसमें पहले आपने दही वगैरह डाली थी। अभी भी फ्लेम तेज रखना है और अभी से चलाते हुए कुछ देर तक, 5 से 7 मिनट तक पकाना है। जब आपको लगे दही की रंगत थोड़ी बदलने लगी है, दही का कच्चापन खत्म हो गया है अखनी तैयार होने के बाद में, ये अखनी तैयार हो रही है। अखनी तैयार होने के बाद इसमें कोफ्ते डालने हैं। ये देखिए कोफ्ते अब हल्का सा हाथों में से घुमाइए और इसे अखनी में छोड़ दीजिए। एक एक करके सारे कोफ्ते डाल दीजिए, धीरे धीरे आराम से डालिए, टूटने ना पाए। बीच बीच में थोड़ा सा इन्हें हाथ में घुमा लें तो गोल इनकी शेप बनी रहेगी। एक एक करके सारे कोफ्ते डाल दीजिए। अब ये कोफ्तों की अखनी तैयार हो रही है, अखनी कहिए यखनी कहिए, फ्लेम अभी भी फुल आपने रखी हुई है, फुल फ्लेम है। उबाल आने दीजिए इस पर बहुत बढ़िया सा, अच्छे से उबाल आने दीजिए। और अब इसको 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसे ही पका लेना, बीच बीच में चलाना है। देखिए कोफ्ते पूरी तरह से पक गए, इनका रंगत बदल गई है। अब इसमें आपने पानी डालना है, अपने चावल के अकॉर्डिंग पानी डालिए। हम कच्चा बासमती यूज कर रहे हैं, चावल से 3 गुना पानी इसमें डालना होता है, करीब करीब 3 गुना पानी। आप अपने चावल के अकॉर्डिंग डालिए, नमक भी डाल दीजिए 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच नमक डालिए। ये बासमती चावल है, 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ है। आधा किलो कोफ्तों के साथ में 400 ग्राम से 500 ग्राम यानी आधा किलो तक चावल आप यूज कर सकते हैं। इन्हें चावल को एक मोटी छलनी में छान लीजिए, इनका पानी निचोड़ लीजिए। पानी अच्छी तरह से निचोड़ जाना चाहिए सभी चावलों का, ध्यान रखिए चावल टूटे ना। अब ये आपकी यखनी है जिसमें आपने पानी डाल लिया है, हाई फ्लेम पर है, इसको एक उबाल आने तक इंतजार करेंगे। अभी उबाल आने के बाद ये देखिए उबाल आ गया, अब इसमें चावल आपने डाल देने हैं। पानी
पानी चावलों के अकॉर्डिंग आप डालिए, पानी ज्यादा हो गया तो पिचपिची हो जाएगी पूरी बिरयानी, पानी कम रह गया तब आपके चावल खड़े रह जाएंगे, टाइट रह जाएंगे। सारे चावल छोड़ दीजिए, बैटर हो कच्चा बासमती, अच्छी क्वालिटी का बासमती यूज करें, साबुत चावल, और अब इसे प्रॉपरली आपने मिक्स कर देना। एक बार उबाल आने का इंतजार कीजिए, फिर से बीच में नमक चख लीजिए, बाद में बिरयानी में नमक ऐड नहीं हो पाएगा, कंफर्म कर लीजिए नमक कम नहीं है। सब कुछ तैयार है, चावल डल चुके हैं ऑलरेडी, और अब इस पर आपको प्रेशर लगाना है। ये कच्चा बासमती चावल है, केवल एक सीटी में गल जाता है, सेला चावल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चावलों के अकॉर्डिंग काम करें। ये देखिए बिरयानी बहुत बढ़िया, बिरयानी एकदम तैयार है। एक एक दाना अलग अलग है और एक एक दाना पूरी तरह से पका हुआ दिखाई दे रहा है। बिरयानी की खूबसूरती ये है कि एक एक दाना अलग अलग रहे और पका हुआ रहे, कच्चा भी ना रहे। हल्का सा जरदई रंग डाल दीजिए, जरदे का रंग आता है ये, और डाल दीजिए कुछ बूंदे यहाँ केवड़े की, केवड़ा सबसे लास्ट में डालते हैं, हल्का सा फ्लेवर, हल्का सा ये खुशबू दे देता है इसे। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे उलट पुलट कर दीजिए। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल चावल का अलग खिला हुआ है, सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट दिखाई दे रहा है, देखने में ही टेस्टी लग रही है, खाने में ही कितनी टेस्टी होगी, ओहो, मजा आने वाला है बहुत आज तो। सर्व कीजिए और अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का दिल जीत लीजिए। ये देखिए बिरयानी की प्लेट बिल्कुल तैयार है, कोफ्ता बिरयानी, मीट बॉल बिरयानी, जरूर बनाइए, आपके परिवार को जरूर पसंद आएगी। दोस्तों आपके चैनल पर और भी कई सारी नॉन वेज डिश अवेलेबल है, अभी कोफ्ता बिरयानी बनाई थी, ये कोफ्ता कोरमा लगभग सभी घरों में बनता है। आप एक बार फिर भी ये चैनल पर देखिए, रेसिपी देखिए, इस रेसिपी से बनाइए, यकीन मानिए कुछ नया ही आपको डिफरेंट टेस्ट लगेगा, अच्छा टेस्ट लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ ये रेसिपी ज्यादा बढ़िया है। कोफ्ता कोरमा, कोफ्ता कोरमा अक्सर बनीता है हम सबके घरों में, एक बार आप ट्राई करें इस नई रेसिपी से। रेसिपी दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और बहुत पॉपुलर डिश है, तेजी के साथ पॉपुलर होती जा रही है, कढ़ाई कीमा, कई रेस्टोरेंट से सर्व कर रहे हैं और फंक्शंस में भी सर्व हो रहा है, लेकिन घरों में अभी ये कम बनता है। कढ़ाई कीमे की रेसिपी आपको चैनल पर मिल जाएगी, जरूर बनाइए। कढ़ाई कीमा बिल्कुल एक नई डिश है, बहुत तेजी के साथ पॉपुलर होती जा रही है, जरूर आपको पसंद आएगी। और ये है आपके लिए मटन स्टू, मजेदार मटन स्टू, ओहो, क्या देखने में, क्या टेस्ट है इसका, क्या खूबसूरती है, मजेदार मटन स्टू। और ये है चिली चिकन, चिली चिकन की रेसिपी भी आपको चैनल पर मिल जाने वाली है। ये जो चिली चिकन आप इस रेसिपी से बनाएंगे, एक बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, उससे डिफरेंट जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या आप अपने फंक्शंस में खाते हैं। बनाते रहिए, दिल जीतते रहिए। थैंक यू।